हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री लेसन नंबर 3 द हड़प्पा सिविलाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकेंड चैप्टर देखा था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे लेसन 2 का वीडियो डाल देंगे, तो आप वहाँ से उसको देख लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। सो हड़प्पा सिविलाइजेशन में हम क्या देखेंगे? पहला देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, सील्स एंड पॉट्स, द ग्रेट बाथ, लाइफ इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन, ट्रेड, रीजंस फॉर डिक्लाइन। तो पहले हम देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन है क्या, कहाँ पे है, और इसका जो हाउस और टाउन का स्ट्रक्चर है, प्लानिंग है, वो कैसा था, जो सील जो एज अ स्टैम्प यूज होता है वो कैसा था, पॉट्स जो बर्तन थे वो कैसे हैं, ग्रेट बाथ क्या है, कहाँ पे मिला है वो देखेंगे, और हड़प्पा सिविलाइजेशन की लाइफ किस तरीके की थी, किस तरह का रहन सहन था, क्या खाते थे, क्या कैसे रहते थे, व्यापार किस तरीके से रहता था उन लोगों का, बिजनेस वो देखेंगे, और क्या रीज़न है जो डिक्लाइन हो गया, जो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, वो सब हम देखेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे पहले आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पे किस तरीके से इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग कहाँ पे है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हड़प्पा यहाँ पे है और मोहनजोदाड़ो जस्ट इसके यहाँ पे है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऐसी जगह हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही आता है, जहाँ पे आपको ये यहाँ पे जितने दिख रहे हैं ना ब्लैक सर्कल, जहाँ जहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब हड़प्पा सिविलाइजेशन के ही पार्ट हैं हम कह सकते हैं। ठीक है, धौलावीरा नीचे आपको दिखेगा, यहाँ पे धौलावीरा, ये सब लोथल, ये सब उसी के पार्ट हैं, यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन ही था, खुदाई में ये सारी चीज़ें फाउंड हुई हैं। देखते हैं आप हड़प्पा सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन फर्स्ट बिगन इन 1921 CE एट हड़प्पा। हड़प्पा में मतलब पंजाब के जो रावी नदी है, रावी नदी के किनारे पंजाब में हड़प्पा एक जगह है, वहाँ पे खुदाई हो रही थी 1921। आपको पता है 1921 इस टाइम अंग्रेज़ों का ज़माना था। ठीक है, अंग्रेज़ थे यहाँ पे इंडिया में और भारत आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है। तब हमें पता है कि तभी ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तभी ये जो पार्ट है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, ये सब किस में थे, इंडिया में ही थे। लेकिन जब यहाँ पे डिवीज़न हो गया, यहाँ पे आप कह सकते हैं जब भारत आज़ाद हुआ और इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, तो ये जो मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पा है, ये दोनों चले गए किस में, पाकिस्तान में चले गए। नहीं तो ये पहले इंडिया का पार्ट था, क्योंकि पहले पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था। ओके, दैट इज़ हाउ दिस सिविलाइजेशन केम टू नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा में मिला ये सारी चीज़ें, जो सिविलाइजेशन है खुदाई के दौरान हड़प्पा मिला, इसके लिए इसको नाम दे दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन, और इसी को, हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस सिविलाइजेशन के भी नाम से जाने जाते हैं, सिंधु सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पे है, इंडस मतलब सिंधु नदी है। एक्सकवेशंस वर ऑल्सो कैरिड आउट एट मोहनजोदाड़ो, अ प्लेस अबाउट 650 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ हड़प्पा इन द इंडस वैली। तो जो सिंधु नदी है, इंडस नदी वैली है, घाटी है, वहीं पे, तो उसमें क्या है कि हड़प्पा से कुछ दूरी पे, कितना दूरी, 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर की दूरी पे क्या है मोहनजोदाड़ो, हमने मैप में देखा ना कितनी दूरी पे है, तो 650 किलोमीटर की का डिस्टेंस है वहाँ से वहाँ तक। देयर वॉज, मतलब हड़प्पा से लेके मोहनजोदाड़ो का जो डिस्टेंस है वो 650 किलोमीटर है। देयर वॉज अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस बिटवीन द रिमेन्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट द टू प्लेसेस। तो जब खुदाई हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदाड़ो है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर घर का, टाउन का, और जो आर्टिफैक्ट, जो हाथ से बनी चीज़ें जितने भी थे, कपड़े, गहने, पॉट्स, वो सारी चीज़ें काफ़ी रिजेंबल थी, मतलब काफ़ी मिलती जुलती थी। ठीक है, काफ़ी सिमिलर थी, सिमिलरिटीज़ थी वहाँ पे। सिमिलर रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट धौलावीरा, लोथल, कलीबंगम, दहमाबाद एट्सेट्रा। ये भी अलग अलग जगहें हैं जो कि यहाँ पे भी वही चीज़ें मिली जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में मिली। तो इसके लिए इन सब को किसका पार्ट माना गया, इन सब को पार्ट माना गया हड़प्पा सिविलाइजेशन का। जनरली द सेम करेक्टर्स आर सीन इन ऑल द प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो करेक्टरिस्टिक, जो भी चीज़ें, जो विशेषताएं हड़प्पा में थी, वही सारी चीज़ें अलग अलग जो हमने देखा, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगम, उन सब पे भी वही सिमिलैरिटीज़ थी, घर का स्ट्रक्चर, उनके कॉलोनी का, उनके टाउन का, उनका खाना पीना, जो भी चीज़ें मिली वहाँ पे काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी। दिस इंक्लूड्स टाउन प्लानिंग, रोड्स, ये सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, ड्रेनेज मतलब नाली का सिस्टम, जो पाइपलाइन होती है, सील्स, जो स्टैम्प, बर्तन, खिलौने, और बरियल कस्टम, जो दफनाने की विधि, जो मर जाता है इंसान, मृत्यु के बाद जो दफनाने की जो कस्टम होते हैं, प्रथाएं होती हैं, वो भी इन लोगों का सेम ही था। ठीक है, जो अलग अलग हमने देखा,
अब देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे 3.2 हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, उनका घर और शहर किस तरीके का था। द हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मेनली बिल्ट विद बेक्ड ब्रिक्स, तो उनका घर किस तरीके से बना था, तो बेक्ड ब्रिक्स मतलब पकी हुई ईंटों का, जैसे कि हम आज बनाते हैं, आज हमारा घर भी पकी ईंटों से बनता है, तो उनका भी घर इसी तरीके से था। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे अनबेक्ड ब्रिक्स भी हैं, कच्ची ईंटें भी हैं जो अनबेक्ड हैं, मतलब पकाई गई नहीं है। स्टोन्स पत्थरों के भी घर मिले हैं, और ये सारी चीज़ मतलब पत्थर, अनब्रिक्ड अनबेक्ड ब्रिक्स और बेक्ड ब्रिक्स, सब इन सब चीज़ों का वो यूज़ करते थे अपना घर बनाने में। द हाउसेज हैड रूम्स बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड, तो क्या मतलब अपने घर चारों तरफ घर बनाते थे और बीच में आंगन, जैसे आज भी हम देखते हैं हमें कितने सारे घर मिलते हैं यूपी बिहार पंजाब राजस्थान में, तो बड़ा सा घर होता है, बीच में एक बड़ा सा आंगन होता है, उसके चारों तरफ घर होते हैं, इस तरीके से उनका भी घर होता था। ठीक है, कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन। द हाउस हाउसेस हैड वेल्स बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स, घर में क्या क्या सुविधाएं होती थी, कुएं का, बाथरूम, टॉयलेट, ये सब उनके उस ज़माने में, एक हजारों साल पुराने पुराना सिविलाइजेशन है हड़प्पा, उस टाइम में ये सारी चीज़ों की सुविधाएं होती थी। देयर वॉज एन एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, जो नालियों की सुविधा, जो गटर की पानी निकालने की, मतलब बाथरूम और टॉयलेट के पानी किस तरीके से निकले, वो सारा सिस्टम एक्सीलेंट था, बहुत ही अच्छा था। और किससे बना हुआ था, बेग्ड अर्दन कॉन्ड्यूट्स। कॉन्ड्यूट्स मीन्स क्या, कॉन्ड्यूट्स मीन्स होता है कि जैसे कि मतलब कि पाइपलाइन, कॉन्ड्यूट जो पाइपलाइन थी वो पक्की पाइपलाइन थी, मतलब कि टूट फूट रिसाव या फिर लीकेज नहीं हो सकता इस तरीके से। दिस शोज़ ग्रेट कंसर्न रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ, तो ये क्या पब्लिक हेल्थ के रिगार्ड से उन लोगों ने कितना अच्छा बनाया था, ताकि बीमारियां ना फैले, गंदगी ना फैले, इसलिए उन लोगों ने सब पक्की चीज़ की थी, जो पाइपलाइन थी वो पक्की थी, इतना सुविधा था। द स्ट्रीट्स वर ब्रॉड एंड लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न, जितना सुविधा इन लोगों में तब में था, आज भी हम देखते हैं बहुत सारे गाँव शहरों में इतनी सुविधा नहीं होती है। ठीक है, हज़ारों साल पुराना वो सिविलाइजेशन कितना ज़्यादा आगे था। तो और जो उनकी गलियाँ होती थी वो कैसी होती थी, चौड़ी होती थी और वो ग्रिड पैटर्न थी, मतलब कि ग्रिड पैटर्न मतलब कि कह सकते हैं कि जो रॉड होते हैं उससे चारों तरफ मतलब कि एक ढांचे के रूप में था, ऐसे नहीं कि सिर्फ खुला गली छोड़ दिया, खुला गली नहीं छोड़ दिया, उसमें कुछ वहाँ पे उन लोगों ने कुछ ढांचे भी बनाए थे ताकि अच्छा दिखे उन लोगों का जो जगह है। यहाँ पे देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन वेल, इनके घर के बीच में ही कुआँ है, ठीक है, तो घर के बीच में ही कुआँ था। ओके, व्हाट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ एंड हाइजीन विल अराइज इफ़ द ड्रेन्स आर नॉट कवर्ड, अगर जो ड्रेन्स नालियाँ हैं अगर वो कवर नहीं रहेंगी ऊपर से मिट्टी सीमेंट ईंटों से, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। द टाउन्स वर डिवाइडेड इंटू टू और मोर सेक्शंस एंड ईच सेक्शंस हैड सेपरेट फोर्टिफिकेशन टाउन, जैसे कि एक बड़ा सा ये टाउन हुआ, शहर हुआ, अब इसको कई सेक्शन में बांट देते थे, ठीक है, सपोज़ कि टू पार्ट में बांट दिया, तो बीच में एक बड़ी सी दीवार, एकदम फोर्टिफिकेशन, मतलब क्या होती है, दिस इज़ फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन मतलब कि जब उन लोगों ने इस तरह का घर बनाया तो किला बंदी कह सकते हैं, ताकि लोग अटैक ना कर सके, इस साइड वाला कभी झगड़ा करे तो इस पे इजीली से अटैक ना कर दे, इसलिए बीच में एक बड़ी सी दीवार, मजबूत दीवार बनाते थे ताकि कोई जल्दी से इजीली अटैक ना कर पाए उन लोगों पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सील के बारे में बताया, जो स्टैम्प है, स्टैम्प के बारे में बताया है कि आप एक आलू को कट करो, उसमें इस तरीके से कट किया आलू, और बीच में क्या करो कि जहाँ पे कट किया वहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनाओ, फिर कुछ डिज़ाइन बना दिया आपने, और फिर क्या करो स्याही इंक में, आप उसे इंक में डीप करो और ठप्पा लगाओ, सपोज़ यहाँ ठप्पा लगा दिया तो क्या आएगा, वही जो आपने डिज़ाइन बनाया वही उतर आएगा, यही काम होता है, हमें पता है स्टैम्प और सील का। आपने सील और स्टैम्प देखा होगा अपने स्कूल में या फिर घर पे कहीं पे ना को देखा ही होगा। तो अब हम बात करते हैं सील्स एंड पॉट्स की, जो स्टैम्प होते थे और बर्तन। द सील्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वर मेनली स्क्वायर शेप्ड एंड मेड फ्रॉम अ स्टोन कॉल्ड स्टीटाइट, दैट मीन्स कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो सील यूज़ करते थे वो स्क्वायर शेप का होता था, और क्या होता था, स्क्वायर शेप का होता था, और किससे बना होता था, स्टीटाइट से, मतलब उस पत्थर को स्टीटाइट कहा जाता था, एक पत्थर था, पत्थर का यूज़ करते थे और उसी पे वो डिज़ाइन बनाते थे। दीज सील्स वेयर पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, इनमें किसका पिक्चर होता था, एनिमल्स का, दे इंक्लूड पिक्चर्स ऑफ रियल एनिमल्स लाइक बूस बफेलोज ऑक्सन एलिफेंट्स राइनोस टाइगर एट्सेट्रा, कौन कौन सा वो जानवर इसमें बनाते थे, तो हम देख रहे हैं बूल्स होता है ना, जिसके ऊपर एक ऐसा बड़ा सा होता है, सांड, सांड बोलते हैं उसको, वो होता है बूल्स, उसको बोलते हैं बफेलो, बफेलो भैंस,
और ऑक्सन बैल, हाथी, गैंडा, टाइगर, ये सारी चीज़ें, और कुछ इमेजिनरी भी एनिमल्स होते हैं लाइक यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ फिगर में बता के। ह्यूमन फिगर्स आर ऑल्सो सीन, इसमें ह्यूमन फिगर्स भी होते थे कभी कभी सील में। दीज सील वर यूज्ड एज टर्म्स, तो जैसे हम देखते हैं कि आज भी हम अपने सिक्कों पे, हम देखते हैं ना वन के कॉइन में यहाँ पे नीचे एक शेर रहता है, वो शेर इस तरीके का होता है, तीन, उसको तीन मुंह दिखते हैं, किधर एक बीच में एक, उस साइड भी होता है पीछे के साइड भी, लेकिन वो हमें दिखता नहीं क्योंकि वो पीछे होता है। वो किसने बनाया था वो, और उसमें सत्यमेव जयते लिखा रहता है, तो वो किसने बनाया है, वो बनाया है अशोका ने, अशोका का अशोक स्तंभ उसको बोलते हैं। तो हम भी यूज़ कर रहे हैं ना एनिमल्स का, तो ऐसे वो लोग भी अपना एनिमल्स का यूज़ करते थे। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, शेर है, तो हम अपने राष्ट्रीय पशु का कहीं ना कहीं हम बनाए, जैसे हमने देखा मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया क्या है, शेर का एक है, उसी में सब मशीनरी के पार्ट्स वगैरह लिखे हैं, तो उसमें हमने शेर का यूज़ किया ना। ऐसे ये लोग भी क्या करते थे कि अलग अलग एनिमल्स का उनमें कुछ महत्व होगा उन लोगों का, शेरों का। ये देखिए, ये है यूनिकॉर्न, मैंने आपको बताया कि यूनिकॉर्न क्या है, इमेजिनरी है। उसके सर पे एक तरीके का सींग होता था और एक हॉर्स की तरह दिखता था, हॉर्स नहीं है, एक ऊपर सींग है और दिखता वो हॉर्स की तरह था, ठीक है, मतलब एज अ हॉर्स विद अ सिंगल हॉर्न, उसके ऊपर एक सिंग रहता था, इसको ये उनका इमेज। ऐसा कोई एनिमल नहीं होता, बट उनके महत्व में कुछ होगा, इसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा, इसके लिए वो लोग लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए इस सील में क्या है, गैंडा, राइनो है ये, ठीक है, और देखिए स्क्वायर में है ना, ये शेप स्क्वायर में है, तो इस तरीके का उनका सील होता था। ये देखिए सील यहाँ पे लिखा हुआ भी है नीचे, ओके। साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिली, उनका मतलब सील वगैरह, ये सारी चीज़ें। देयर आर रेड टेरा कोटा पॉट्स, तो टेरा कोटा पॉट्स क्या होता है, मतलब रेड कलर में उनका पॉट्स है, विद पैटर्न एंड डिज़ाइन इन ब्लैक कलर, रेड में रहता था और ब्लैक कलर में उसकी डिज़ाइन रहती थी। ऐसे बर्तन भी मिले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के, द पैटर्न इंक्लूड्स फिश स्केल्स, इंटरलॉकिंग सर्कल्स, पीपल लीव्स, ये सब। तो मतलब ये बर्तन किस तरीके के होते हैं, कैसे पैटर्न होते थे, तो उसमें फिश जो मछली होती थी उसका डिज़ाइन बनाते थे, इंटरलॉकिंग सर्कल्स वगैरह बनाते थे, पीपल की पत्तियां बनाते थे, पीपल की पत्तियों का शेप का पॉट्स बनाते थे, ये सारी चीज़ें। द हड़प्पन पीपल बरीड देयर डेड देयर यू दे यूज टू बरी अर्दन पॉट्स विद द बॉडीज, क्या करते थे ये लोग, जब इनके लोग मर जाते थे तो वो उसे दफना देते थे, और जब दफनाते थे तो उनके जो अर्दन पॉट्स, जो वो लोग, जैसे कि ये पर्सन मर गया और ये जो बर्तन यूज़ करता था खाने पीने के लिए, जो चीज़ें यूज़ करता था उसके साथ में वो बर्तन भी दफना देते थे। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब मरते हैं तो उनकी चीज़ें भी उनके साथ जला दी जाती हैं या दफना दी जाती हैं। देखिए आप यहाँ पे फिश स्केल्स वाला ये चीज़ें देखिए आप किस तरीके से डिज़ाइन बनाया है, रेड कलर में और ब्लैक कलर में डिज़ाइन है, ओके। और यहाँ पे भी वैसा ही है, और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पीपल के पत्ते के शेप में बर्तन है, सर्कल में है, कितने सारे डिज़ाइन अलग अलग हैं, इतने वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। अब हम बात करते हैं द ग्रेट बाथ, जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है। ग्रेट बाथ मतलब लाइक एकदम जैसे आज का स्विमिंग पूल है वैसा ही समझ लीजिए आप, अभी आप फिगर भी देखेंगे उसका। स्पेशियस बाथ हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो, ये मोहनजोदारो में है जो ग्रेट बाथ है, जो ग्रेट टैंक है, ठीक है, नहाने की जो एक पूरा कह सकते हैं तालाब जैसा है, टैंक है, तालाब नहीं है। तो स्पेशियस मीन्स क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है, तो जो इसका जो इस टैंक का जो कितना है उसकी गहराई 2.5 meters, मतलब कि बहुत ही गहरा है, काफ़ी गहरा है। इट वॉज 12 meters लॉन्ग एंड 7 meters वाइड, इसकी लंबाई कितनी है तो 12 मीटर लंबी है, चौड़ाई कितनी है तो 7 मीटर चौड़ी है, बहुत ही काफ़ी बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा है। इट वॉज लाइंड विद बेक्ड ब्रिक्स प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर, और क्या इसमें है, जो इसका जो लाइन है, जो ये जो बना है टैंक, ये कैसे बेक्ड ब्रिक्स मतलब पक्की ईंटों से बनी हुई है, ताकि रोके सीपेज, लीकेज ना हो, लीक ना हो पानी, ठीक है, पानी और दूसरी जगह लीक होकर ना जाए, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, पानी लीकेज ना हो, इसके लिए बेक्ड ब्रिक्स से बनाया गया, जैसे कि आज का स्विमिंग पूल बनाया जाता है। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू द टैंक, यहाँ पे क्या है, सीढ़ियाँ भी हैं नीचे जाने के लिए, ये देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं आने के लिए, इस साइड से भी, ठीक है, सीढ़ियाँ भी हैं आने जाने के लिए। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन द स्टेयर्स, देयर वॉज ऑल्सो प्रोविजन फॉर ड्रेनिंग, क्लीनिंग एंड रीफिलिंग द टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसमें क्या प्रोविजन है और क्या इसमें सिस्टम है, यहाँ पे इसे
क्लीन करने का, जैसे कि इसके गंदे पानी, अब एक ही पानी में तो रोज़ नहाएंगे नहीं, डेली डेली कितने दिन नहाएंगे, गंदे पानी हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको पानी का जो निकालना है उसका भी सिस्टम था, इसमें साफ़ पानी क्लियर वाटर कैसे लाया जाए उसका भी रीफिलिंग, मतलब फिर से वापस भरो इसको, इसे क्लीन करने का सब सिस्टम वो लोग बनाए थे। और टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग ड्रेनिंग, मतलब कि सफाई करना, पानी गंदा पानी कैसे निकालना है, किस तरीके से नया पानी भरना है, सारा सिस्टम इसमें था। तो ये कहाँ पे है, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में, याद रखना है आपको। अब देखते हैं लाइफ इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन, किस तरीके से उनकी लाइफ थी, क्या खाते थे वो देखते हैं। द हड़प्पन पीपल प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, तो वो क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर खेती करते थे वो। द एक्सकवेशन एट कालीबंगन प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ प्लोड फील्ड, तो यहाँ पे इन्हें यहाँ से पता चला कि यहाँ पे वो खेतों की जुताई करते थे, वहाँ पे वो अनाज यहाँ पे मतलब कि अनाज यहाँ पे उगाते थे, कैसे उनको कुछ उनको जो जिससे वो खेत जोतते हैं वो उसका कुछ उनको इक्विपमेंट मिला होगा या फिर उसका एविडेंस मिला होगा, तभी तो उनको पता चला ना, लोगों को जो आर्कियोलॉजिकल में होते हैं जो खुदाई करते हैं उन लोगों को पता चला कि हाँ यहाँ पे खेती भी ये लोग करते थे, अनाज भी मिला। द पीपल देयर ग्रीव डिफरेंट क्रॉप्स मेनली व्हीट एंड बार्ले, मतलब वो लोग खेती करते थे, इसका एविडेंस कैसे मिला, तो यहाँ पे खेती किसका होता था, गेहूँ और जौ का। इन राजस्थान बार्ले वॉज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल वाइल इन गुजरात इट वॉज रागी, ओके। तो यहाँ पे क्या होता था, अलग अलग क्रॉप्स उगाते थे वो लोग, और राजस्थान में वो लोग बार्ले जौ उगाते थे बहुत ज़्यादा, और गुजरात में क्या, गुजरात में रागी, रागी एक तरह का अनाज है वो उगाते थे। पीस सीसेम सीसमी एंड लेंटिल्स, मतलब पीस मतलब तो मटर आपको पता है, सीसमी मतलब क्या, तिल होता है ना, तिल तिल जो वाइट तिल होता है, जिस तिल का तेल होता है वो, और लेंटिल्स मतलब मसूर की दाल, मसूर होता है ना वो, ये सब भी वो लोग उगाते थे। द हड़प्पन पीपल वर ऑल्सो फेमिलियर विद कॉटन, और इन लोगों को हड़प्पा जो हड़प्पा के लोग थे उन लोगों को कॉटन की भी नॉलेज थी, कॉटन का जो कपास होता है ना कपास, उसका भी उन लोगों को नॉलेज था, वो लोग उगाते थे उसको भी और उसका कपड़ा बनाते थे। द स्टेटस द स्टैचूज द पिक्चर्स ऑन द सील्स एंड द रिमेन्स ऑफ क्लोथ फाउंड इन द एक्सकवेशन इंडिकेट दैट द हड़प्पन पीपल यूज टू वीव क्लोथ, तो यहाँ पे जो एक स्टैचू मिला है उससे ये पता चला खुदाई में एक्सकवेशन के दौरान जब हुआ तो हड़प्पन लोगों का, हड़प्पन लोग एक मतलब वो लोग कपड़े भी बुनते थे बनाते थे, इसका भी पता चला एक पिक्चर से, जो स्टैचू पे वो पिक्चर स्टैचू है मूर्ति मिली उस पर किस तरीके से कपड़ा लगाया हुआ है उससे पता चला कि वो लोग ये भी करते थे, इतना अच्छा वो डिज़ाइन भी बनाते थे। द ड्रेस ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन कंसिस्टेड ऑफ नी लेंथ क्लोथ एंड अपर गारमेंट्स, तो वो लोग क्या करते थे, मैन एंड वुमेन दोनों ही ऊपर के भी कपड़े पहनते थे, जैसे आज सब लोग पहनते हैं ऊपर शर्ट नीचे पैंट, तो वो लोग भी पहनते थे इस तरीके के, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके का, ठीक है। तो वो लोग किसे नी तक मतलब घुटने तक का उन लोगों का कपड़ा रहता था, ओके। तो इस तरीके से लोग पहनते थे। ऑर्नामेंट्स, यहाँ पे देखिए ऑर्नामेंट्स, मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड इन एक्सकवेशन, बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे गहने भी मिले हैं, देखिए किस तरीके के गहने हैं, ये सारे गहने मिले हैं। दे आर मेड ऑफ गोल्ड कॉपर प्रेशियस स्टोन्स एज ऑल्सो शेल्स कॉवरीज सीड्स एट्सेट्रा, किस किस चीज़ों पे यहाँ पे मिलते थे, किस किस चीज़ों का गहना ये लोग पहनते थे, तो सोना कॉपर तांबा जो होता है, और बहुत महंगे महंगे जो कीमती स्टोन होते हैं ना, आज कितने महंगे महंगे स्टोन आते हैं, नीलम डायमंड और रूबी, ये सारे कितने महंगे महंगे आते हैं, तो उन सब का भी, और शेल्स भी, और कॉरीज जो होती हैं, कॉरीज होती हैं जो समुद्र वगैरह में मिलता है वो, सीड्स बहुत अलग अलग तरीके का जो सीड्स होता है बीज होते हैं उसका भी ये लोग माला पहन लेते थे। मैन एंड वुमेन बोथ यूज मल्टी स्ट्रैंड नेकलेस, ये लोग क्या यूज़ करते थे, मल्टी मतलब बहुत ही अलग अलग तरीक़ों का, मतलब मल्टी स्ट्रैंड मतलब ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीक़ों के ये लोग ज्वेलरी वो लोग यूज़ करते थे, मतलब पहने रहते थे। वुमेन वोर बैंगल्स राइट अप टू देयर अपर आर्म, वो लोग मतलब कि आर्म तक अपनी जो ये बाँह होती है ना बाँह तक वो चूड़ी पहनते, जैसे भी हम राजस्थान में देखते हैं बहुत लोग जो रहते हैं ना गाने वगैरह में देखते हैं जो बंजारन लोग रहते हैं पूरा हाथ तक कैसा पहनते हैं चूड़ियाँ, उस तरीके के ये लोग पूरी पूरी चूड़ी पहनते थे पूरा यहाँ हाथ से लेके पूरा ऊपर आर्म तक।
A statue found at a Harappan site presents an excellent specimen of their art. तो वो लोग आर्टिस्ट भी अच्छे थे, उन लोगों की कला में भी बहुत अच्छे थे वो लोग. तो हड़प्पन में, हड़प्पा से एक हमें खुदाई में क्या मिला है, एक स्टैचू मिली है, एक स्पेसीमैन. एक स्पेसीमैन मतलब कह सकते हैं कि किसी भी आदमी का, जैसे कि डिज़ाइन की मूर्ति बनाया है, इंसान का मूर्ति बनाया है, सैंपल एक तरीके का. इट शोज़ द मैंस फेशियल फीचर्स वेरी क्लियरली. इतना अच्छा है उसका फेशियल फीचर्स, जिस तरीके से बनाया है, जिस तरीके से आँख कान मुँह सारा उसका बनाया है, वो बहुत ही अच्छा बनाया है. इससे पता चलता है कि वो लोग कितना ज़्यादा टैलेंटेड थे. ओके, सो अ क्लोक विद अ ब्यूटीफुल ट्रेफॉइल पैटर्न इज ट्रैप्ड अक्रॉस हिज शोल्डर्स. तो उसके शोल्डर पे क्या है, उसके शोल्डर पे वो क्लोक, क्लोक मतलब एक तरह का कपड़ा होता है, और ट्रेफॉइल मतलब कि, ट्रेफॉइल मतलब कि तीन पत्ती होती ना, तीन पत्ती इस तरीके की, तीन पत्ती इस तरीके का उसमें पैटर्न, इस पैटर्न का वो डिज़ाइन बनाया है. ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मतलब क्या है, ड्रैप्ड मतलब लिपटाना, पहनाना ऊपर से इस तरीके से. उसके शोल्डर पे जैसे रखते हैं ना, बहुत हम देखते हैं गमछा वमछा रखते हैं या रुमाल रख लेते हैं ऐसे ऐसे कंधे पे, या लड़कियां भी दुपट्टा इस साइड पे कैसे रखती हैं, लड़के लोग भी रखते हैं. तो उस जैसे कि वो लोग शॉल रखते हैं अभी आजकल, तो उस तरीके का उसने रखा हुआ है. और एकदम ट्रेफॉइल मतलब क्या होता है कि पत्तियों वाला, एकदम पत्ती वाला एकदम पैटर्न का पहना हुआ है. अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कैसे इसने देखिए पहना हुआ है. इसका जो देखिए यहाँ पे कुछ टूट फूट गई है, ये खुदाई के टाइम कुछ टूट फूट गया है, लेकिन फिर भी इसकी जो दाढ़ी है किस तरीके से बनाया, मुंह कैसे बनाया, आँख कान सब कैसे अच्छे से बनाया है, वो भी एक मेटल का लग रहा है ये या फिर स्टोन का, तो किस तरीके से बनाया है. और ये देखिए ये तीन पत्ती वाला है जो ट्रेफॉइल मैंने बताया, इस तरीके का डिज़ाइन, इस तरीके का पैटर्न वाला, और इस साइड से इस तरीके का पहना हुआ लिपटा हुआ है उस, तो इस तरीके का कपड़ा पहना हुआ है ये. ट्रेड कैसे होता था उस टाइम में, ये देखते हैं, व्यापार बिजनेस कैसे होता था उन लोगों का. द हड़प्पन पीपल कैरीड ऑन ट्रेड विद इन इंडिया एज वेल एज विद कंट्रीज आउटसाइड. तो वो लोग इंडिया में, जैसे हड़प्पा कहाँ पे आ रहा है, हड़प्पा आ रहा है एकदम नॉर्थ साइड में, उधर नॉर्थ, नॉर्थ में मतलब नॉर्थ के भी इधर मतलब पाकिस्तान की साइड में आ रहा है. तो पाकिस्तान से लेके वो लोग इधर साउथ में भी करते थे सारा, मतलब अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते थे और दूसरे कंट्रीज़ में भी करते थे. ठीक है, तो हम देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में है हमारा जो हम देख रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन. तो वो लोग यहाँ से कहाँ कहाँ पे करते थे, तो अदर कंट्रीज़ में भी करते थे, इंडिया में भी करते थे, जो भी उनका ट्रेड था व्यापार था. द इंडस वैली वॉज नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी कॉटन. तो इसका जो हाई क्वालिटी कॉटन मतलब कि इतना अच्छा कॉटन का जो उनका व्यापार था उसके लिए बहुत ही ये फेमस थे. दिस कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन लाइक वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया साइड, सदर्न यूरोप एंड इजिप्ट तक जाता था इनका जो भी मटेरियल था, जो भी गुड्स थे. कॉटन क्लोथ, कॉटन के कपड़े आज भी फेमस हैं इंडिया के, तो कॉटन के कपड़े भी ये लोग बेचते थे मतलब भेजते थे यहाँ से. द ट्रेडर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रोवाइड मसलिन क्लोथ टू इजिप्ट. तो जे यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे हड़प्पा के, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो व्यापारी थे, वो मसलिन मतलब मलमल के कपड़े, बहुत महंगे आते हैं कपड़े मलमल के, ये लोग इजिप्ट वालों को देते थे. ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे. सिल्वर, जिंक, जेमस्टोन्स, रूबीज एंड देवदार वुड वर सम ऑफ द आइटम दैट वर इम्पोर्टेड फ्राम कश्मीर, साउथ इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान. और ये सारी चीज़ें वो खरीदते थे. किससे खरीदते थे, क्या क्या खरीदते थे, तो चांदी, जिंक, जिंक होता है ना, जो जिंक क्या होता है कि जस्ता, सिल्वर, सिल्वरी वाइट मटीरियल होता है जो दिखने में सिल्वर वाइट स्टोन जस्ता रहता है, वो जस्ता मैं आपको बता रही हूँ. और जेम स्टोन मतलब अलग अलग स्टोन, जो महंगा नीलम हुआ, रूबी हुआ, माणिक हुआ, अलग अलग स्टोन आते हैं ना जो अभी सब लोग पहनते हैं हाथ में रिंग में डाल के, वो सारा रूबीज़ जो महंगा एक पत्थर होता है स्टोन. तो देवदार, देवदार बहुत महंगी लकड़ी आती है, देवदार कहाँ होता है, कश्मीर में होता है. तो ये सारी चीज़ें वो मंगाते थे, खरीदते थे कश्मीर से, साउथ इंडिया से, साउथ इंडिया, ईरान से, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से. ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बोथ बाय लैंड रूट्स एंड सी रूट्स. दोनों तरीके से होता था व्यापार. ठीक है, उस टाइम में भी वो समुंदर से वो लोग खरीदते थे सामान, बेचते थे, खरीदते थे दोनों. सम ऑफ द एक्सकवेटेड सील्स बेयर पिक्चर्स ऑफ शिप्स. कई कई उनके जो सील है, स्टैम्प है, उसमें हमें शिप मतलब जो जहाज होता है ना, पानी वाला जो शिप होता है, उसमें भी उसका पिक मतलब इमेज मिली है हमें. सील्स जो उनका जो सील होता है, स्टैम्प होता है, उसमें शिप का भी पिक्चर देखा गया है. अ ह्यूज डॉक यार्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट लोथल. और लोथल में
लोथल में क्या है कि बहुत बड़ा एक डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब क्या होता है कि जहाँ जो शिप होती है वहाँ बनाने का, वहाँ से गुड्स लाने का, ले जाने का, किस तरीके से किस रास्ते से जाता था, मतलब कि एक जगह होता है ना, पर्टिकुलर स्पेस होता है जहाँ पे बहुत सारे शिप आके खड़े होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है वहाँ पे आके बनता है, फिर वहाँ से जाता है उसी रास्ते से, उसको बोलते हैं डॉकयार्ड। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत लोथल में मिला है बड़ा सा एक डॉकयार्ड मिला है। द ट्रेड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज कैरिड ऑन अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ द अरेबियन सी। तो जो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो भी गुड्स आना जाना होता था वो कैसे होता था, तो अरेबियन सी से, अरब सागर की तरफ से उनका सब जाता था। आप मैप में हम देख चुके हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे देखिए एक जो लोथल में मिला है ना, जो एक जगह मिला है डॉकयार्ड जो मिला है, तो उसी के आधार पे एक आर्टिस्ट ने एक विजुअलाइज, मतलब कह सकते हैं इमेजिनेशन अपना यहाँ पे दिखाया होगा किस तरीके से, इसी तरीके से कुछ रहा होगा कि कोई फ़ोटो खींचने नहीं गया था उस टाइम में, हम लोग थे भी नहीं, तो ये क्या है, एक विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन है, सोचा है कि इस तरीके का ही कुछ होगा उन लोगों का, इस तरीके से यहाँ पे पानी होगा, यहाँ से, यहाँ से शिप जाता होगा, इस तरीके से उनका जो जो लोथल है, जो जगह है वो इस तरीके का होगा और यहाँ पे होगा, इस तरीके का ही उनका डॉकयार्ड होता होगा। अब देखते हैं रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, किस तरीके से डिक्लाइन हो गया, ख़त्म क्यों हो गया हड़प्पा सिविलाइजेशन, कैसे नष्ट हो गया वो देखते हैं। तो फ्रिक्वेंट फ्लॉट्स, जो फ्लॉट्स आते रहते थे अक्सर वहाँ पे, फ्लॉट्स बाढ़ आती रहती थी। इन्वेशन, अच्छा मैं ये बता दूं कि जो सारे रीज़न बता रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक लोगों ने कल्पना की है कि ये सारे रीज़न हो सकते हैं उस सिविलाइजेशन के ख़त्म होने का। ठीक है, ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि क्या रीज़न है, तो ये रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे बाढ़ अक्सर आता होगा। इन्वेशन मतलब कि सूखा अकाल पड़ जाता होगा वहाँ पे। ठीक है, अटैक, इन्वेशन मतलब कि अटैक हो जाता होगा, कोई बाहरी अटैक, फॉरेन ट्राइब्स जो अटैक कर देते होंगे, रोज़ युद्ध करते रहते होंगे। डिक्लाइन इन ट्रेड वेयर सम ऑफ द रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये सारे कुछ ट्रेड भी रीज़न हो सकते हैं कुछ जगहों के आने जाने का, मतलब कि ट्रेड भी रीज़न हो सकता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इस तरीके से ख़त्म हो गया। सम रीजन्स बिकेम अरिड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ मानसून, तो यहाँ पे एरिड मीन्स क्या होता है, एरिड मीन्स होता है कि बंजर पड़ जाना, निर्जन होना, अनवाटर्ड, जहाँ पे पानी ही ना रहे, पानी सूख जाए, तो वहाँ से तो लोग हट ही जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो बस्ती छोड़ देंगे लोग, इस तरीके से होता है। वीकनिंग ऑफ मानसून की मतलब बारिश कम आना, ड्राइंग अप, सूखा पड़ना, रिवर बेसिन जो नदियाँ होती हैं वो सूख जाना, उसका भूकंप आना, ओके, चेंजेस इन सी लेवल, सी समुंदर के लेवल में उतार चढ़ाव जैसे आता है उस तरीके से बारिश, मौसम उस तरीके से बारिश होना नहीं होना, ये सब सी पे डिपेंड करता है, समुंदर पे जैसे जिस तरीके से आता है। पीपल माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस, तो इस तरीके से लोग क्या हो गए, धीरे धीरे माइग्रेट होते गए, अब जहाँ भी, जहाँ की सिचुएशन बेकार रहेगी उस जगह तो धीरे धीरे लोग छोड़ेंगे ही, जहाँ बार बार भूकंप आ रहा है, जहाँ बार बार बाढ़ तूफान आ रहा है, उस जगह को धीरे धीरे लोग माइग्रेट वहाँ से कर जाएंगे, माइग्रेट करना मतलब वहाँ से चले जाना दूसरी जगह पे। तो इस तरीके से ये सिटी के डिक्लाइन ख़त्म होने का, इस सिटी के डिक्लाइन का, नष्ट होने का शायद ये रीज़न हो सकता है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अ प्रॉस्परस एंड फ्लोरिशिंग अर्बन सिविलाइजेशन, तो अर्बन सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये बहुत ही प्रॉस्परस, उन्नति था, डेवलपमेंट था इसमें बहुत अच्छा। फ्लोरिशिंग मीन्स क्या होता है कि बहुत ही समृद्ध था, एकदम कह सकते हैं कि वो डेवलपिंग, उस धीरे धीरे ही उस तरीके से वो डेवलप था एकदम से। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, और जो इंडियन सिविलाइजेशन, जो हमारी सिविलाइजेशन है, ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसी, यही धीरे 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 जाके वहाँ के लोग धीरे धीरे इधर आके उधर आके ऐसे ऐसे जगहों पे बस गए होंगे, तो फिर यही उसी से धीरे धीरे इंडियन सिविलाइजेशन भी डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेसन 4। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस कर देना, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।